नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश नागर, हिंदी व्याख्याता। साथियों, आज बात करेंगे हम लोग जो हमारे एमए लेवल का जो पोर्शन है यहाँ पर सेकंड पेपर के अंतर्गत, उसमें कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं और उन सिद्धांतों को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक एक सिद्धांत बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स के माध्यम से साथियों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और जहां तक हो सके एक एक वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथियों, इन सभी की पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो ये आपको कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर फ्री मेटेरियल वाले ऑप्शन में मिलेगी। तो इसलिए कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप वहां से इन नोट्स को लिख सकें। मित्रों, थोड़ा सा पीडीएफ डालने में मुझे टाइम लग जाता है, तो आप जो है यूट्यूब से भी वीडियो देख करके पढ़ सकते हो, इन पीडीएफ को लिख सकते हो और पढ़ के साथ साथ आप इनको बार बार सुने ताकि आपको याद हो जाएंगे साथियों। तो मित्रों, बहुत बढ़िया नोट्स हैं और एमए लेवल का जो पोर्शन है वो कंप्लीट अब हम शुरू कर रहे हैं। मैंने कुछ पोर्शन आपको पहले भी करवा दिया है इसका, तो इसलिए कोटा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोटा ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम को आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए साथियों, और निश्चित रूप से जो है आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मित्रों, हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे रस निष्पत्ति विषयक मत। अब रस निष्पत्ति एक सिद्धांत है और उसके जो मत हैं वो अलग अलग हैं। एक एक चीज, एक भी बात आपके यहाँ पर नहीं छूटेगी साथियों। मेरे ही द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, बहुत जबरदस्त नोट्स हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको वाकई में ही अच्छे लगती है चीजें और आप लोग जो मेरे से जो पढ़ रहा है स्टूडेंट, आज लाइक कर देना और साथियों कमेंट जरूर करना कितने स्टूडेंट हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं। कमेंट आना चाहिए सबका, ठीक है साथियों। चलिए, रस निष्पत्ति विषयक मत यानी कि रस निष्पत्ति जो सिद्धांत है उसके विषय में अलग अलग मत भी आए हैं, तो वो भी क्या है उनको भी आज देखेंगे। रस काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण संप्रदाय है। वर्तमान में रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है वाक्यम रसात्मक काव्यम। ये जो है बहुत बार पूछी गई बात है कि वाक्यम रसात्मक काव्य सूत्र किसने दिया है, तो आचार्य विश्वनाथ ने दिया है। वाक्यम रसात्मक काव्य किसने दिया है, आचार्य विश्वनाथ ने। आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है कि जो रस युक्त वाक्य है वही काव्य है। काव्य की डेफिनेशन ये विश्वनाथ के द्वारा दी गई है कि जो रस से युक्त काव्य है वही वाक्य, सॉरी, रस से युक्त जो वाक्य ही काव्य कहलाता है साथियों। आगे बात करेंगे, रस के अभाव में किसी भी शब्द योजना को काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यानी कि अगर उस काव्य में रस नहीं है तो फिर हम यहाँ पर उसको काव्य की संज्ञा नहीं दे सकते। तो काव्य में रस होना बहुत ही जरूरी है साथियों। आगे बात करते हैं, संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम ज्ञात आचार्य आचार्य भरत मुनि ने रस पर विचार करते हुए लिखा, क्या लिखा, विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। साथियों, रस निष्पत्ति सिद्धांत पढ़ रहे हैं और उसमें अलग अलग जो मत हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे साथियों। ये अभी थोड़ी उसकी भूमिका है। और वो क्या लिखते हैं आचार्य भरत मुनि, क्या लिखते हैं कि विभाव अनुभाव, ये जो परिभाषा है उन्होंने ही दी है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आद्र निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आद्र निष्पत्ति, ये किसने कहा है, आचार्य भरत मुनि के द्वारा कहा गया है। और काव्य की परिभाषा वाक्यम रसात्मक काव्य, ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा है साथियों। तो लिख लीजिए आप लोग पढ़ के, एक एक चीज बहुत जबरदस्त है साथियों। नोट्स इतने बढ़िया हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मेरा वादा है आपसे। और मैंने आपसे बोला था मैं पूरा कोर्स यूट्यूब पर जो है पढ़ा रहा हूँ। नोट्स बनाइए, दिल से पढ़िए, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा साथियों।
और इनसे संबंधित मैं प्रश्न भी करवाऊंगा। एक एक प्रश्न बहुत तगड़ा प्रश्न है साथियों। चलिए देखिएगा, आगे बात करते हैं। इस गुप्त कारिका को साहित्य जगत में रस सूत्र के नाम से जाना जाता है। इस सूत्र के दो शब्दों को लेकर विद्वानों में विवाद हो गया था और ये शब्द थे संयोग और निष्पत्ति। क्या थे? संयोग और निष्पत्ति। देखिएगा, विभिन्न आचार्यों ने इन दोनों शब्दों की भिन्न भिन्न व्याख्याएं की हैं, जिस आधार पर रस निष्पत्ति विषयक मतों का प्रचलन हुआ। फिर देखिएगा, आगे देखते हैं, रस निष्पत्ति विषयक मतों का संक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित तालिका के द्वारा दिया गया है। साथियों, इस तालिका से भी आपके कम से कम एक क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ये जो है मैंने यहाँ पर जो टेबल बनाई है साथियों, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है ना, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो रस के विषय के मत जो दिया है गया है, वो कौन सा वाद है, किस आचार्य ने दिया है, उसमें कौन सा दर्शन है, कौन सा संयोग है और कौन सी निष्पत्ति है। तो साथियों, ये जरूर आपको ध्यान दे लेना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, जैसे उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का है, बट लोलट का है, बस ये पूछा जाता है। तो उत्पत्तिवाद आरोपवाद किसने बोला, बट लोलट ने दिया है, लेकिन ये किस दर्शन से है, मीमांसा दर्शन से। इसमें संयोग क्या क्या है, उत्प्राद्य या उत्पादक, क्या क्या है, उत्प्राद्य या उत्पादक, और निष्पत्ति क्या है, इसमें उत्पत्ति है साथियों, ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है अनुमतिवाद, किसने दिया, संकुक ने दिया, ये न्याय दर्शन पर आधारित है। इसमें क्या क्या है, संयोग गमक और गम्य भाव, और निष्पत्ति क्या है, अनुमान, ठीक है, ये याद रखना भाई। इनसे संबंधित प्रश्न भी करेंगे हम लोग, बहुत तगड़े प्रश्न है। देखिएगा आगे, भुक्तिवाद, भुक्तिवाद मतलब भोगवाद, किसने दिया है, भट्ट नायक के द्वारा दिया गया है। ये दर्शन किसका है, शाक्य दर्शन का है। इसमें संयोग क्या क्या है, भोज्य या भोजकत्व है। इसमें निष्पत्ति किसकी हो रही है, भोग या भुक्ति की। फोर्थ नंबर पर है अभिव्यंजनावाद, ये किसने दिया है, अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया है। साथियों, ये ध्वनिवादी या ध्वनि सिद्धांत, ये शैव मत पर आधारित है, ठीक है। इसमें क्या है, संयोग व्यंग्य या व्यंजक है, और निष्पत्ति क्या है, अभिव्यक्ति है साथियों। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का है, अनुमतिवाद संकुक का है। तो कैसे याद करोगे, अनुमतिवाद संकुक, तो इसमें ट्रिक बना लो अ और इसका ले लो स, तो अंश बन जाएगा, अंश, ठीक है ना। ये वैसे तो देखो अंश तो नहीं बन रहा, लेकिन थोड़ी ट्रिक बना लो ऐसे, अनुमतिवाद अंश स से संकुक, याद हो जाएगा, अनुमतिवाद संक संकुक, ठीक है। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का है, जो आरोपवाद भी जिसे हम कहते हैं, आरोपवाद का नाम आ जाए तो भी भट्ट लोलट का है, और उत्पत्तिवाद भी किसका है, भट्ट लोलट का है, दोनों एक ही है, उत्पत्तिवाद कहो या आरोपवाद कहो, बात एक ही है। दर्शन की बात करें कि उत्पत्तिवाद में कौन सा दर्शन है, या भट्ट लोलट ने किस दर्शन की बात करी है, मीमांसा दर्शन की बात करी है, ठीक है। इसमें निष्पत्ति किसकी हुई है, उत्पत्तिवाद में उत्पत्ति की निष्पत्ति हुई है, ठीक है ना। अनुमतिवाद में निष्पत्ति किसकी हुई है, अनुमान की हुई है। भुक्तिवाद में किसकी हुई है, भोग या भुक्ति की हुई है, इसका पहला वर्ड लिया गया है। अभिव्यंजनावाद में किसकी हुई है, अभिव्यक्ति की हुई है, जिसे अभिव्यक्तिवाद भी कहते हैं साथियों। भुक्तिवाद किसका है, भट्ट नायक का है। भुक्तिवाद किसका है, भट्ट नायक का। भुक्तिवाद में भी भ आ रहा है और भट्ट नायक में भी भ आ रहा है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। उत्पत्तिवाद में भट्ट लोलट का है और भुक्तिवाद भट्ट नायक का है। अभिव्यंजनावाद किसका है, अभिनव का, अभी से अभिनव, याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद करने हैं साथियों, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। इसमें से एक ने एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, भट्ट लोलट किस दर्शन से, मीमांसा दर्शन, संकुक न्याय दर्शन से, भट्ट नायक शाक्य दर्शन से, अभिनव गुप्त जो है शैव दर्शन से। अभिनव गुप्त ने ध्वनि सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया था, थोड़ा सा आप ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं मित्रों, बहुत बढ़िया नोट्स हैं, दिल से पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर बहुत अच्छा है। रस के विषय में भरत मुनि से पूर्व अर्थ
वेद में अर्थ वेद में विचार किया गया है और लिखा गया है रसो वे सह। रसो वे सह यानी कि रस वही है, यहाँ वहीं से तात्पर्य ब्रह्मा से है, अर्थात रस ब्रह्मा है। रसो वे सह इसका मतलब यह है कि रस वही है, अर्थात रस क्या है, ब्रह्मा है। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है साथियों, आचार्य विश्वनाथ क्या लिखते हैं, रस ब्रह्म सुहाद सहोदर। रस ब्रह्म सहाद सहोदर यानी कि रस जो है ब्रह्मा के समान है। रस ब्रह्म स्वाद सहोदर किसने लिखा, आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, और इसका मतलब है रस जो है ब्रह्मा के समान है। ठीक है साथियों, आगे बात करेंगे, अलग अलग मत हैं सभी आचार्यों के, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। अभिनव गुप्त आचार्य क्या कहते हैं, अभिनव गुप्त आचार्य कहते हैं रस प्रत्यंते, रस प्रत्यंते मतलब रस प्रतीत होता है। सबके मत भी बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब आगे है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं, सबको ध्यान रखने हैं इनके बारे में सारी चीजें, जो भी जिसने भी बात कही है, जो भी मत दिए हैं रस के लिए, प्लीज आप इनको याद रखिए किसने क्या बोला है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या है, विभाव अनुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रस आत्मेति रस आदि स्थायी भाव सचेत साम। तो विभाव अनुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रस आत्मेति रस आदि स्थायी भाव सचेत साम, अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भावों से व्यक्त सहृदय के हृदयों में स्थित रीति आदि स्थायी भाव ही रस कहलाता है। यानी कि आश्रय के हृदय में स्थित रीति भाव जो स्थायी भाव है वो रस दशा में परिणित होता है या रस कहलाता है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं साथियों, आचार्य मम्मट ने कहा है कारणिनी च कारणी सहकारिणी यानी च रीति आदि स्थायिनो लोके तानि चैनाट्य काव्ये विभाव अनुभावश्च कथयन्ते व्यभिचारिणीः। तो साथियों ट्रिक बना लेना इसकी, ममट्टाचार्य क्या कहते हैं, ममट्टाचार्य कहते हैं साथियों कारिणी च कारिणी। अब इतनी सी याद रख लो, कारणी च कारणी वाली बात किसने करी है, यानी कि रस निष्पत्ति के लिए जो मत जो है अपना मत जो ये दिया है वो किसने दिया है, कारणी च कारणी आचार्य ममट्टाचार्य के द्वारा दिया गया है। ममट्टाचार्य में दो बार म म आया तो कारणी च कारणी आया। ठीक है, इस तरह से याद हो जाएगा। लोक में जो कारण कार्य और सहकारी, ठीक है, सहयोग करने वाले, सहकारी मतलब सहयोग करने वाले होते हैं, वही नाटक व काव्य में विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव होते हैं, और ये रीति आदि स्थायी भावों के साथ मिलकर के रस निष्पत्ति करते हैं। आगे देखें आचार्य भरत मुनि, भरत मुनि ने रस की कोई परिभाषा नहीं दी है, रस सूत्र में उन्होंने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया का विवेचन किया है साथियों। आगे है रस के स्वरूप पर विचार करते हुए उन्होंने प्रश्न उठाया रस इति क पदार्थ। आचार्य भरत मुनि ने प्रश्न उठाया कि रस इति क पदार्थ, रस क्या पदार्थ है, तो उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए वह स्वयं ने लिखा है रस अस्वाध्य तत्वात्, रस अस्वाध्य तत्वात्, यानी कि उन्होंने लिखा कि जो अस्वाद प्रधान करे वो क्या है, रस अस्वाध्य त्वात् अत्वात्, यानी कि जो अस्वाद प्रधान करे या आस्वाद प्रधान करे वही क्या है, रस है। तो साथियों जितने भी मत या जितने भी सूत्र हैं किसने किसने दिए हैं इनको आप लोग लिख लीजिए और बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे साथियों। एक बार में याद होने वाली चीज नहीं है, सबसे कठिन और सबसे भयंकर जो स्टूडेंट को लगती है वो यही लगती है साथियों, और इनके नोट्स उनको अच्छे से मिलते भी नहीं है, इसलिए मित्रों इनको आप अच्छे से लिख लीजिए, संवार लीजिए, ये आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस नाटक का वह तत्व होता है जो सहृदय यानी कि जो आश्रय
के हृदय को आस्वाद प्रदान करता है और जिसके आस्वाद से वो हर्षित हो उठता है, जिसके स्वाद से वो हर्षित हो उठता है, साथियों वही रस है, ऐसा आचार्य भरत मुनि कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार फिर देखिए, जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों या औषधियों एवं द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव की रस रूप में निष्पत्ति होती है। ठीक है साथियों, जिस प्रकार अलग अलग व्यंजनों से, औषधियों से, द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से जिसको भी हम लोग भोगते हैं, जिसको भी हम भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार से नाना प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव के रस रूप में क्या हो जाती है, निष्पत्ति हो जाती है। निष्कर्ष रूप में अभी तक जो समझ में नहीं आई ये बात, तो यहां समझ लीजिए, निष्कर्ष रूप में उन्होंने कहा, भरत मुनि ने क्या कहा कि रस अस्वाद्य अस्वाद नहीं है, रस क्या है, आस्वाद्य है और आस्वाद नहीं है, रस अनुभूति का विषय है, अनुभूति नहीं है। ठीक है, रस विषयगत होता है, विषय ही गत नहीं होता। ठीक है, रस क्या है, विषयगत होता है, विषय ही गत नहीं होता है साथियों, ऐसा आचार्य भरत मुनि कहते हैं। इन सभी बातों को ध्यान रख करके नोट्स बना लेना, बार बार पढ़ना कि किसने क्या मत दिया है रस के लिए। तो उन्होंने, आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा, रस अस्वाद्य है, आस्वाद नहीं है, रस अनुभूति का विषय है, अनुभूति नहीं है, रस विषयगत होता है, विषय ही गत नहीं होता। ठीक है, आगे, रस का मूल आधार क्या होता है, स्थायी भाव होता है, जो स्वयं तो रस नहीं है किंतु विभाव आदि कारणों से जागृत होकर के रस रूप में क्या हो जाता है, बदल जाता है साथियों। तो सारा मैटर रस में स्थायी भावों का ही होता है, वह रस रूप में जागृत तो होता है लेकिन रस नहीं होता साथियों। भरत मुनि फिर कहते हैं, अनुकार्य अर्थात राम आदि मूल पात्र के हृदय का स्थायी भावी रस दशा में परिणित होता है, सहृदय सामाजिक का नहीं। भरत मुनि के रस सूत्र में चार प्रमुख आचार्य हैं जिन्होंने व्याख्या हमें यहाँ पर प्रस्तुत करके दी है साथियों। और क्या व्याख्या प्रस्तुत करके दी है, ये थोड़ी सी आपको दिख नहीं रही है, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, और लिख करके भी मैं बता दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है, दिख नहीं रहा है तो मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिए सारे के सारे मत, एक एक चीज जो है मैं साथियों आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, तो इसमें याद रख लीजिएगा, व्याख्या करो भारतीय लोलट, ये सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं साथियों। ये पूरा का पूरा सूत्र आप लोगों को याद रखना है कि भरत मुनि के रस सूत्र में चार प्रमुख आचार्य हैं और उन चार प्रमुख आचार्यों के नाम इसमें बताए गए हैं। इसमें व्याख्यातर यानी कि भारतीय लोलट क्या है, क्या व्याख्यातरो भारतीय लोलट, उद्भट, संकुक, और इसमें फिर है भट्टे यानी कि भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। ठीक है, भारतीय लोलट, उद्भट, संकुक और भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, ये चार आचार्य इसमें दिए गए हैं साथियों। मैंने बता दिया आप लोगों को यहाँ पर, भट्ट लोलट है एक, तो एक उद्भट है और एक संकुक है और एक भट्ट नायक है, एक अभिनव गुप्त है, तो आप प्लीज इनको याद रख लीजिएगा। सबसे पहले किसका नाम आया है, भट्ट लोलट का आया है, तो भट्ट लोलट ने कौन सा दिया था, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद दिया था साथियों इन्होंने, तो ये भट्ट लोलट को आप याद रख लीजिएगा। दूसरा इसमें क्या आ रहा है, संकुक, संकुक ने क्या दिया था, अनुमतिवाद, याद हो जाएगा। और तीसरे आचार्य कौन से आते हैं इसमें, तीसरे जो आचार्य हैं साथियों वो भट्ट नायक हैं, कौन से हैं, भट्ट नायक, उन्होंने क्या दिया था, भुक्तिवाद। ठीक है, और एक है अभिनव गुप्त जिन्होंने क्या दिया था साथियों, आपको पता होना चाहिए, अभिव्यंजनावाद। तो ये सारे के सारे चार आचार्य फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उन्होंने चार आचार्य को नाम बताए हैं, भट्ट लोलट, ठीक है,
दूसरा है आचार्य, आचार्य संतु, ठीक है। तीसरा है भट्ट नायक, ठीक है, और चौथा आचार्य है अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त, ठीक है साथियों। तो ये चार आचार्यों के बारे में भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में बात बताई है कि इन चारों आचार्यों ने रस निष्पत्ति में व्याख्या करी है। तो हम लोग एक एक आचार्य को यहाँ पर देखेंगे भी सही साथ में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। भट्ट लोलट मैं बता रहा हूँ, संकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। कौन कौन? भट्ट नायक, संकुक, भट्ट नायक सॉरी भट्ट लोलट, संकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, ये जो चार आचार्य हैं ये भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। उक्त चारों आचार्यों में से प्रथम तीन आचार्य भट्ट लोलट, संकुक और भट्ट नायक का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है साथियों, ठीक है ना। भट्ट लोलट का, संकुक का और भट्ट नायक का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभिनव गुप्त का ग्रंथ है। अभिनव गुप्त का जो ग्रंथ है उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, अभिनव गुप्त ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। चलिए ठीक है। इनके मतों के आधार पर ममट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है काव्य प्रकाश, और अभिनव गुप्त के आधार पर लिखा गया है अभिनव गुप्त भारती और धवन्यालोक और लोचन टीका। अभिनव अभिनव भारती अभिनव गुप्त ने क्या क्या लिखा? अभिनव भारती, धवन्यालोक और लोचन टीका, ये ग्रंथ अभिनव गुप्ताचार्य के रहे हैं साथियों। आगे बात करते हैं मित्रों। अभिनव गुप्त ने उक्त सभी आचार्यों के मतों का उल्लेख खंडन करने के उद्देश्य से किया था। ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि प्राप्त सभी मत ज्यों के त्यों हो। रस निष्पत्ति विषयक मतों का विवेचन अब हम लोग यहाँ पर करेंगे साथियों। अभी तक हमने जितनी भी बातें करी है वो सब एक भूमिका है, और यहाँ से मोस्ट बात आ जाती है जो आप लोगों को याद रखनी है, बहुत जबरदस्त याद रखनी है साथियों। तो नंबर एक पे आते हैं, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। तो साथियों आप लोग निश्चित रूप से पढ़ते रहिएगा, और अब यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों। आप जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल से जुड़ते हो तो निश्चित रूप से साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दिए गए हैं, और कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज मैंने डाली हुई है उसे ज्वाइन कर लेना मित्रों। एक एक प्रश्न बहुत सहज करके रखा गया है, 90% प्रश्नों की गारंटी मैं आपको वहां पर देता हूँ साथियों। तो इसलिए निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लेना साथियों। फिर आगे जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है टेस्ट सीरीज के सबके प्राइस बढ़ जाते हैं, अभी ज्वाइन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा साथियों, ठीक है मित्रों। विश्वास कीजिए मैं दिल से और दिल के साथ पढ़ाने वाला इंसान हूँ साथियों। जो टेस्ट सीरीज है एक एक क्वेश्चन की व्याख्या मैंने जो है एक एक पेज तक में भी की गई है, तो आप लोग एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का 10 क्वेश्चनों की बराबरी करता है। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।